कल्याण में पुलिस ने एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार कर 7 लाख रुपए का एमडी ड्रग्स बरामद किया है। आरोपियों में एक ईरानी महिला और एक नाइजीरियन पुरुष का समावेश है। कल्याण के एसीपी कल्याण जी घेटे ने बताया कि कोलसेवाड़ी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कल्याण के 100 फीट रोड से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। दोनों ने अपना नाम सनील यादव और युवराज गुप्ता बताया। तलाशी लेने पर उनके पास से 284.6 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया, जिसकी कीमत 6,47,000 रुपये बताई गई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि किसी नाइजीरियन व्यक्ति से उन्होंने ये एमडी खरीदा है और कल्याण में बेचने के लिए लाया है। इसके बाद पुलिस ने चुकवू इमेका जोसेफ इमेका नामक उस नाइजीरियन व्यक्ति को भी नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे मामले में खड़कपाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के अम्बिली से फिजा ईरानी नामक एक महिला को 34 ग्राम एमडी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशीली दवाओं का धंधा करने वाले काले कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। स्टेशन के हद में नाकाबंदी के दरमियान एक ऑटो रिक्शा हमको संशय तरीका मिली, उसका हमारे अधिकारी और अमलदारों ने पाठलक किया था, पीछा किया था और उसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया। उनके पास एमडी नाम का कुछ नारकोटिक्स मिला है, तो हमने गुना दाखिल किया और उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो एक इमेका जोसेफ नाम के आदमी को, नाइजीरियन आदमी को भी ताबे में लिया है। तो कोड़शेवाड़ी पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल करके 3 लोगों को अरेस्ट किया है। उनके पास से 6,47,000 रुपये का मुद्देमाल भी हस्तगत किया है। वैसा ही खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक फिजा ईरानी नाम की महिला को भी ताबे में लिया है, उससे भी एमडी 34 ग्राम हिरासत में लिया है और से उसका भी पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है। दोनों पुलिस स्टेशन ने मिलकर अभी तक 7,14,000 का मुद्देमाल रिकवर किया है और से 4 आरोपी को अटक किया है। दोनों गुनों का अलग अलग तपास चालू है और से पुलिस कस्टडी में अभी आरोपी है। इसमें और कुछ डेवलपमेंट होने की शक्यता है। हाइपरपाइल को भी बेचा कर देते हैं? नहीं, अभी तपास में वैसा वो इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, तो अभी तक तो वैसा कुछ समझ में आया नहीं है, लेकिन तपास में निष्पन्न होगा और उस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाएगी।